अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां सिविल लाइन क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर सराफा व्यापारी को लूट लिया। बदमाशों ने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात से भरा बैग ले भागे। पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रैगांव रोड के धनखेर मोड़ पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने सराफा व्यापारी कृष्ण कुमार सोनी निवासी गांधी चौक नागौद को लूट लिया। कार में रखा व्यापारी का सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग बदमाश ले उड़े। भागते वक्त उन्होंने कृष्ण कुमार के साथ मारपीट भी की। कृष्ण कुमार सोनी ने बताया कि नागौद के गांधी चौक में उसकी आरती ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी कारोबार के सिलसिले में आता जाता रहता है। सोमवार को वह अपनी कार से धनखेर आया था। दोपहर में यहां से लौटते वक्त धनखेर मोड़ पर एक परिचित मिल गया, जिससे बात करने के लिए वह कार से नीचे उतर आया। उस वक्त उसने जेवरात से भरा अपना बैग कार के अंदर ही छोड़ दिया था। खुद वह कार के पास ही खड़ा था, लिहाजा उसने कार लॉक नहीं की थी। इसी बीच बाइक सवार तीन लड़के आए, जिन्होंने झपट कर उसकी कार के अंदर से बैग उठा लिया। कृष्ण कुमार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो धक्का मुक्की मारपीट करते हुए वो बाइक को खेतों में दौड़ाते हुए भाग निकले। बैग में लगभग 5 किलो चांदी की पायलें, बिछिया और तकरीबन 200 ग्राम सोने के जेवर थे। जेवरात की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कृष्ण कुमार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। CSP महेंद्र सिंह एवं TI अर्चना द्विवेदी ने वहां पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सिविल लाइन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले स्थानीय ही हो सकते हैं, जिन्होंने सराफा व्यापारी की रेकी भी की होगी। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। धनखेर मोड़ में तीन लड़कों ने मेरा झोला ढूंढ लिया, सोने चांदी भरा हुआ बैग। मैं व्यापारी आदमी हूँ, सामान देने आया था, एक दिन यहाँ वापस लौट रहा था तो मेरा झोला उठा छोड़ लिया। कहाँ के हैं आप? मैं सर नागौद, गांधी चौक नागौद का हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं धनखेर से रैगांव जा रहा था। क्या क्या लिए थे आप झोले में? झोले में करीब पायल थी 4-5 किलो की, और 2-3 डोरा थे, पिशिया थी जैसे 5, और कुछ सोने का आइटम 100-150 कान की और लॉकेट वगैरह। कितने का सामान रहा होगा? लगभग 8-10 लाख का मान लीजिए।